नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नई वीडियो में। ये स्प्लेंडर की प्रो है, स्प्लेंडर प्रो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका गाड़ी धुआं दे रही है, गाड़ी धुआं दे रही है लेकिन इंजन से कोई भी साउंड नहीं है। देख रहे हैं आप साउंड, इंजन से कोई साउंड नहीं है, सिर्फ गाड़ी धुआं दे रही है। तो इसमें बिल कितना बनेगा और क्या क्या सामान चेंज होगा ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा, और क्या क्या चेंज करेंगे, कैसे कैसे फिटिंग करेंगे, कैसे खोलेंगे, ये टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए इसे हम फटाफट हेड और ब्लॉक को खोल लेते हैं, साइलेंसर को। तो हेड का जो स्पॉकेट है, टाइमिंग स्पॉकेट, ये देख रहे हैं चैन बिल्कुल भी टाइट है, चैन बिल्कुल लूज नहीं है। तो हमें चैन चेंज नहीं करना है, जो चीज़ ख़राब है उसी चीज़ को चेंज करना है, जो ख़राब नहीं उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हम खोलते वक्त ये सब ज़रूरी चीज़ें चेक कर लेते हैं, अगर चैन लूज है तो चैन चेंज करेंगे, चैन लूज नहीं है तो चैन चेंज नहीं करेंगे। तो पहले हम हेड को बाहर निकाल लेते हैं। ये हेड को हमने बाहर निकाल लिया और ये स्पॉकेट को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम ब्लॉक को खोलेंगे, ब्लॉक खोलकर ब्लॉक को बाहर निकालेंगे, एलाइंकी बोल्ट खोल के 5 एलाइंकी बोल्ट खोल लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। चलिए ब्लॉक को बाहर निकाल लेते हैं। कितना खर्च में ये बन जाता है हाफ इंजन, और कौन कौन से चीज़ें ज़रूरी होती है चेंज करना ये मैं आपको बताऊंगा। ये पिस्टन को हम बाहर निकाल लेते हैं, पिस्टन चेंज होगा। कनेक्टिंग चेक कर लेते हैं, अगर कनेक्टिंग ख़राब है तो चेंज कर देंगे। कनेक्टिंग ख़राब नहीं है, हल्का प्ले है, हल्का प्ले रहता ही है। ये बनाने के बाद 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद ही हल्का प्ले आ जाता है, ये चलेगा इतना। ये ब्लॉक देख रहे हैं, ब्लॉक में गड्ढा हो गया है, ब्लॉक घिस गया है। और ये पिस्टन स्टैंडर्ड पिस्टन है, फर्स्ट टाइम खुला है, तो हम बोर करवाएंगे, ब्लॉक चेंज नहीं करवाएंगे। और ये दोनों वाल हम चेंज करवाएंगे, पहले हम इसे पूरा खोल लेते हैं, खोल कर देखते हैं वाल का क्या हालचाल है। तो हेड और ब्लॉक का काम होगा, क्रैंक वही रहेगा और टाइमिंग चेन भी वही रहेगा, टाइमिंग चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोलर हार्ड हो गया है, देख रहे हैं ये बड़ा वाला जो रोलर है ये हार्ड हो गया है, ये रोलर को हम चेंज करेंगे, रोलर भी चेंज करेंगे। तो पिस्टन लगेगा, हेड का काम होगा, रोलर लगेगा और पैकिंग लगेगा और इंजन ऑयल लगेगा, इतना ही सामान इसमें लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये ब्लॉक देख रहे हैं, ब्लॉक घिस चुका है, तो ब्लॉक को हम बोर करवाएंगे, क्रॉस बोरिंग होगा ये, और हेड का जो वाल है वो चेंज होगा, ये पिस्टन चेंज होगा क्योंकि ओवर साइज पिस्टन लगेगा, ये स्टैंडर्ड है तो ये 25 का लगेगा इसमें। और इसका ये जो वाल है ये कब प्ले लग रहा है मेरे ख्याल से गाइड गया हुआ, ये तो ख़राब है, वाल तो घिस चुका है, पूरा गड्ढा हो गया, वाल तो चेंज होगा, लेकिन ये हल्का प्ले है हेड में, जब हम हेड में डालकर प्ले इसे हिला रहे तो ये प्ले हो रहा है, मतलब कि ये लूज़ हो रहा है। तो हो सकता है गाइड चेंज हो, ये लेथ में पता चलेगा, या नया वाल डालने से ये मेकअप हो जाता है, ये भी होता है, नया वाल डालने से मेकअप हो जाता है। तो चलिए हम इसे हेड को और ब्लॉक को ले चलते हैं लेथ में, और लेथ में ले जाने के बाद इसे चेंज करवाते हैं और बोर करवाते हैं, और लेथ में क्या बिल होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इसे लेथ में दोनों को लेकर चलते हैं और हेड और ब्लॉक दोनों का काम करवाते हैं। ये हेड का काम हो रहा है, हेड का पॉलिश हो रहा है, हेड का गाइड सीट वगैरह सही है, सिर्फ वाल लग रहा है, वाल मैं उषा का लगवाता हूँ, उषा कंपनी का, ज़्यादातर मैं वही यूज़ करता हूँ, ओरिजिनल यूज़ नहीं करता क्योंकि ओरिजिनल में मज़ा नहीं आता मुझे। उषा का पिस्टन अगर मिले तो उषा का पिस्टन भी यूज कर लेता हूँ, और नहीं तो फिर हीरो का ओरिजिनल पिस्टन। तो इसमें हम हीरो का ही ओरिजिनल पिस्टन डालेंगे जिसका 645 रुपये लिस्ट है, बाकी मैं आपको डिटेल में इसका डिस्काउंट क्या करके हमें लगता है वो मैं आपको बता दूँगा। इसमें लॉक और पिस्टन रिंग डब्बे में डालकर ये हमें दे देंगे और बाकी पिस्टन का साइज का बोर करके उसे पॉलिश करेंगे। ये देखिए इसका पिस्टन है, ये इसका डब्बा 645 रुपये इसका लिस्ट है ना, 645 रुपये लिस्ट।
हीरो का। तो बोर हो चुका है और इसमें पॉलिश हो रहा है हेड में, सॉरी ब्लॉक में। हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ब्लॉक बचा हुआ है। तो ब्लॉक पॉलिश करके हमें मिल जाएगा। ब्लॉक को बोर करने के बाद इसे पॉलिश करते हैं ताकि इसमें स्क्रैचेस ना रहे और वो पूरा चिकना रहे। ये हमारे ही ब्लॉक हो रहा है। ये काम आपको लेथ मशीन में करवाना पड़ेगा। आप हेड का पॉलिश आप दुकान में भी कर सकते हैं अपने से, लेकिन हम लोग लेथ में ही करवा लेते हैं। अगर ज़्यादा अर्जेंट रहा या काम ज़्यादा रहा तो फिर हम लोग दुकान में कर लेते हैं, अर्जेंट में गाड़ी वगैरह देना रहा तो, ये तो हम लोग लेथ में ही करवाते हैं। और ये पिस्टन हम लोग को फ्री करके देते हैं, ऐसा नहीं कि जाम हो और हीट होने के बाद स्विच करने लगे गाड़ी, ऐसा नहीं। पिस्टन फ्री होना चाहिए। तो चलिए, ये दोनों काम हो गया हमारा, हेड और ब्लॉक दोनों का काम हो गया। पिस्टन न्यू लग गया और इसमें वाल न्यू लग गया। अब हम बिल बनवा लेते हैं क्या क्या कॉस्ट कितना पड़ा। लेथ का बिल, बोरिंग चार्ज 80 रुपये है, बहुत जगह पर 100 रुपये लिया जाता है। बोरिंग चार्ज 80 रुपये है और 80 रुपये आपका हेड रिपेयरिंग, वो पॉलिश वगैरह करते हैं ना, साफ वगैरह करते हैं, तो वो उनका चार्ज होता है 890 रुपये। टोटल बिल हो गया यहाँ का हमारा 900 रुपया। ये ब्लॉक बोरिंग हो गया 80 रुपये, पिस्टन का हो गया 540 रुपये, जो कि 645 रुपये लिस्ट था, और 80 रुपये हो गया हेड रिपेयरिंग, और 190 रुपये वाल का हो गया, जो कि उषा का वाल लगाए हैं हम लोग। अब हम इसे लेकर जाते हैं अपने दुकान और फिटिंग करते हैं। ये आगे हमारा दुकान, और ये दोनों हेड और ब्लॉक लेकर आए हैं, और ये पिस्टन है, इसमें रिंग और लॉक, पिन लॉक ये दोनों है इसमें। ये रिंग है, रिंग इसमें उषा का ही रहता है, अगर ओरिजिनल ना मिले तो आप उषा भी डाल सकते हैं, गोड्स भी डाल सकते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है, अपना अपना जो यूज़ करते हैं, ख़राब कोई नहीं होता, सब ओरिजिनल ही होता है और ब्रांडेड होता है। तो ये सारा चीज़ हमने वाश कर दिया है ब्लॉक हेड को, अब हम इसे फिटिंग करते हैं, रिंग वगैरह को फिटिंग करते हैं। रिंग कैसे फिटिंग करना है ये वीडियो तो डाल चुका हूँ मैं पहले ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो जाली वाला रिंग है ये आपको पिस्टन पिन के साइड में रखना है, और उसका बगल में ऑयल रिंग रखना है, और तिरछा रखना है दोनों को, ऑयल रिंग दोनों, एक पिन के साइड ये रहेगा और दूसरे पिन के साइड कंप्रेसर रिंग रहेगा। चलिए मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने रखा है इसे। जो ब्लैक वाला रहता है, ब्लैक वाला जो रिंग रहता है टॉप टू, वैसे रिंग में लिखा हुआ रहता है टॉप वन टॉप टू, ये लास्ट वाला रिंग है ऊपर में। और जब भी हम फिटिंग करेंगे तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिट करेंगे, नहीं तो स्क्रैचेस आ जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ब्लॉक में भी हल्का ऑयल लगाएंगे, और इसे आसानी से, इन लिखा हुआ रहता है वो ऊपर रहता है कार्बेटर के साइड, कार्बेटर फ्लेंचा के साइड रहता है, तो जो इन लिखा हुआ रहेगा वो ऊपर रहेगा फ्लेंचा के साइड, ये ध्यान रखें। इनलेट और आउटलेट, इन लिखा हुआ रहता है, बहुत सा गाड़ियों में एरो मारा हुआ रहता है, वो कार साइलेंसर साइड रहता है, ये ध्यान रखें फिटिंग करने टाइम। तो चलिए, इधर पैकिंग वगैरह सब हटा दिए हम लोग और पैकिंग डालेंगे। पैकिंग हम लोग यूज़ करते हैं SGI कंपनी का, SGI कंपनी का अच्छा पैकिंग होता है, इसमें हम लोग को कोई बॉन्ड वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग बॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग इतना सोल्यूशन यूज करते हैं कि मत पूछिए।
ये ब्लॉक पैकिंग डाल देते हैं। ब्लॉक पैकिंग लगाते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि इसका हेड का जो डॉग ब्लॉक का जो डॉगल है, जो स्टेक में डॉगल लगता है बुश, वो लगा हुआ होना चाहिए। और इस जगह पे एक ओरिंग लगेगा। ओरिंग अगर आपका गिर जा रहा लगाने टाइम तो हल्का सा उसमें ग्रीस लगा कर लगा दें, लेकिन सुलेशन का यूज़ ना करें, ठीक है। अब हम ब्लॉक को डालते हैं। ब्लॉक को डालकर इसे सेंटर में करके पिन को अंदर कर देंगे। पिन अंदर हो जाएगा, उसके बाद हम लॉक लगा देंगे। हल्का सा पुश करना होगा हमें। पिस्टन पिन चला गया अंदर। अब पिस्टन पिन का लॉक लगाकर पिस्टन को अंदर हल्का सा पुश कर अंदर कर देंगे उसे ब्लॉक में। ये ध्यान रखिए कि ये आसानी से चला जाए, ज़्यादा ठोक पीट करने से क्या होता है कि रिंग टेढ़ा हो जाता है, रिंग फिर आपको दूसरा चेंज करना पड़ जाएगा, फिर वो रिंग नहीं चलेगा आपको। तो इसे हम थोड़ा अंदर कर लेते हैं। अब इसका हम पिन का लॉक, पिस्टन पिन का लॉक को लगा देंगे। पिस्टन पिन लॉक लगाने के बाद ये ज़रूर चेक करें कि ये राउंड घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद हम टाइमिंग चेन को लगाएंगे। जो बड़ा रोलर है जो ख़राब हो गया था, हार्ड हो गया था, उसको हम चेंज कर देंगे। इस चेन को यहाँ अंदर से डालकर दो साइड से पकड़ लेंगे और फिर रोलर डालकर बोल्ट लगा देंगे। ये नया वाला रोलर है, इसको हम सेंटर में करके बोल्ट लगा देंगे। ये 10 नंबर का बोल्ट होता है। ये वाला बोल्ट, इसमें वाशर जरूरी है, अगर वाशर नहीं रहेगा तो ये लीकेज करेगा। ऑयल, इस जगह से ऑयल रिसेगा या डस्ट जमा होगा। ये रोलर के बीच में जो होल रहता है उसमें ये जाता है। और लगाते समय ये ध्यान रखें कि रोलर घूमना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोलर नहीं घूमता तो कड़कड़ कड़कड़ की साउंड आने लगती है, रोलर घूमना चाहिए। चलिए ब्लॉक को बैठा देते हैं पूरा अच्छे तरीके से। और ब्लॉक बैठाने के बाद पिस्टन को टॉप में कर लेंगे। टॉप में करके लगाने से क्या होगा कि हम टाइमिंग वगैरह सारा चीज़ सेटिंग हो जाता है और टाइमिंग मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। पिस्टन टॉप में हो गया और दो हेड डॉगल, जो हेड बुश होता है वो लगा देते हैं। और हेड पैकिंग, ये हेड पैकिंग लगा देंगे। और लगाने के बाद इसमें कोई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये ध्यान रखें। बॉन्ड वगैरह डालने से कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद ये स्पॉकेट जो कि सीधा रहेगा बीच बीच में, खोलने टाइम ही ये लगा देने से एडजस्टिंग का कोई झंझट नहीं होता। अब हेड, चलिए स्पॉकेट को डालकर हेड को लगा लेते हैं। हो गया और ये आसानी से पुश हो गया। उसके बाद ये वाला पैकिंग, हेड टॉप कवर का पैकिंग,
इसे लगाकर हेड टॉप प्लेट लगा लेंगे और उसका चारों बोल्ट को फंसा लेंगे। और फंसाने के बाद जो ब्लॉक और हेड में एलंकी बोल्ट लगता है 5 नंबर वो वाला फंसा देंगे, उसमें कसेंगे नहीं फंसा देंगे। और जब चारों बोल्ट ऊपर का कस लेंगे उसके बाद वो एलंकी बोल्ट को हम कसेंगे। तो ये बोल्ट को हम फंसा देते हैं, दोनों बोल्ट को हम फंसा देते हैं। उसके बाद जो मेन टॉप कवर का प्लेट है उसे हम कस लेंगे चार वाशर डाल के, मोटा वाला चार वाशर होता है वो और नट होता है 10 नंबर। सारे नट को कसने के बाद इस स्प्रोकेट को कैमशाफ्ट में चढ़ा देंगे। चारों नट को बराबरी से कसेंगे, ऐसा नहीं कि एक साइड से ही कस देंगे, चारों नट को बराबर से कसेंगे ताकि क्रैक ना हो, नहीं तो टॉप प्लेट टॉप कवर प्लेट जो होता है वो क्रैक हो जाता है। टाइट नहीं करेंगे इसे, ये इधर कंप्लीट हो गया। चारों बोर्ड नट को टाइट कर लेंगे और फुल टाइट, अभी 5 का एलंकी को हमने नहीं किया है। अब इस पॉकेट को हम चढ़ा देते हैं नोज प्लास की मदद से। टाइमिंग मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब इसका नट को कस देंगे 8 नंबर जो नट होता है। और ये सारा चीज़ को हम कस दिए हैं, देख रहे हैं इधर भी पूरा फिटिंग हो गया है, कवर वगैरह सारा चीज़ लग गया। मेन था तो इसका ब्लॉक और हेड को डालना और टाइमिंग फिटिंग करना, टाइमिंग मिलाना उसे। अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं साउंड वगैरह। साउंड देख रहे हैं इसका, साउंड कुछ भी साउंड नहीं है, देख रहे हैं इसका इंजन में कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है। इसका मोटर भी बंद हो गया, धुआं जो दे रहा था वो भी बंद हो गया। और इसके हमने चेंज किया क्या, सस्पेंशन चेंज किया और ब्रेक का काम किया, वाल चेंज किया, बल्कि चेंज किया, पैकिंग चेंज किया और इंजन ऑयल चेंज किए, बस इतना ही पार्ट चेंज हुआ। और लगभग लगभग इतना ही पार्ट चेंज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो टाइमिंग चेन एक्स्ट्रा बढ़ेगा और नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेगा। और अगर क्लच प्लेट जला हुआ तो क्लच प्लेट अलग हो गया, तो टाइमिंग चेन क्लच प्लेट बढ़ सकता है, उसका अलग कॉस्ट पड़ता है। चलिए अब हम इसका बिल बनाकर आपको बताते हैं कि इसका बिल कितना तक इसका बिल जाएगा, ठीक है। तो ये लेथ का बिल हो गया जो कि मैं वहाँ पर आपको दिखाया था, 900 रुपये का बिल हो गया, जो कि पिस्टन वाल और उनका लेबर चार्ज वगैरह सब लेकर, ठीक है। अब मैं इसे टोटल स्पेयर पार्ट्स वगैरह का टोटल बिल बनाता हूँ इसका, कि बिल कितना आएगा इसका, अगर आप काम वगैरह करवाएं तो कितना तक बिल आएगा। ये पैकिंग हम लोग SGI कंपनी के यूज़ करते हैं जो कि 70 रुपये में आता है और अच्छा रहता है, आप ओरिजिनल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद बल्ब सील जो कि 75 रुपये दाम है बल्ब सील का। उसके बाद में फिर इंजन ऑयल आएगा आपका 350 रुपये का, ये वाला 1030, हम 2040 डाले, मैं आपको 1030 का दिखा रहा हूँ, 2040 का मैं आपको रेट दिखा रहा हूँ, इसमें 2040 ही डाले हैं हम। ये रहा 2040, ये वाला 402 रुपये लिस्ट है इसका, सॉरी 403 रुपये, ये हो गया। तो ये तीन पार्ट हो गया, तीन पार्ट जो हमने चेंज किया। उसके बाद में फिर बड़ा वाला रोलर लगाए हम, जो बड़ा सा रोलर लगाए जो कि हार्ड हो गया था पुराना वाला, वह हो गया 70 रुपये का। ये इतना ही सामान इसमें लगा, टोटल जो भी स्पेयर पार्ट्स है इतना ही स्पेयर पार्ट्स लगा इसमें,
और मैं सबको कैलकुलेट करके टोटल कर देता हूँ कितना पैसा लगा। ये आपका हो गया 565 रुपया, 565 रुपये इधर और 900 रुपये आपका ये लेथ वाला बिल जो कि पिस्टन वगैरह का बिल है। टोटल दोनों को टोटल करेंगे तो आपका हो गया 1465 रुपया। ये टोटल बिल हो गया 1465 रुपया और मैकेनिक चार्ज इसमें जुटेगा जो कि हर जगह का अलग अलग होता है। तो आपके यहाँ का क्या मैकेनिक चार्ज है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, सब जगह का मैकेनिक चार्ज अलग अलग होता है, इसलिए मैं मैकेनिक चार्ज नहीं इसमें ऐड करके आपको दिखाऊंगा। बहुत से लोग 300 लेते हैं, बहुत से लोग 500 लेते हैं, बहुत से 600 लगते हैं, तो मैं मैकेनिक चार्ज इसमें ऐड नहीं करूँगा। टोटल बिल हुआ इसका 1465 रुपया मैकेनिक चार्ज अलग। मैं अपना मैकेनिक चार्ज इसमें 450 रुपये लेता हूँ, बहुत जगह का अलग अलग रेट है तो मैं नहीं बता सकता कि इनका क्या रेट है, वो मैं ऐड नहीं करूँगा इसमें। तो ये टोटल बिल इसमें लगा और टोटल ओरिजिनल सामान लगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान आपका लोकल लगा है। और ये गाड़ी भी कंप्लीट कोई भी वैसा सामान वगैरह नहीं लगा। तो मैं आपको इसमें हाफ इंजन कैसे बनता है, क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या सामान चेंज होता है, ये टोटल डिटेल में बताया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।